Hi girls, welcome to my channel. So today I'll be reviewing Matte Look 04 Mattify Long Wearing Blusher. ये मैंने कव्स एंड लैशेस से लिया है. इसकी MRP है 349 rupees, लेकिन ये डिस्काउंट में मुझे 299 rupees का मिल गया था. इसमें 12 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आता है, कोई भी पैराबेंस नहीं है एंड दिस इज़ मेड इन चाइना. इसमें टोटल 4 शेड्स आते हैं और जो शेड मेरे पास है वो है 04 पीच ट्विस्ट, लेकिन ये एक पीच शेड नहीं है बल्कि एक पिंक शेड है. इसका टेक्सचर बिल्कुल एक सिलिकॉन प्राइमर की तरह है, एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है एंड ये काफ़ी पिगमेंटेड है. जब आप इसे फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो मैं इसे पहले अपने हाथ में निकाल लेती हूँ एंड देन फिंगर से थोड़ा थोड़ा करके ही अप्लाई करती हूँ. क्योंकि एक लिक्विड ब्रश है ये एकदम से सेट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट एकदम अप्लाई ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही उसे बिल्ड करें. अगर आपने कोई भी मेकअप नहीं लगाया है और आप इसे बेयर स्किन पे लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा एंड ये थोड़ा पैची भी लगेगा. जैसे आप अभी इस क्लिप में भी देखोगे कि ये कलर इवनली स्प्रेड नहीं होता है, कहीं पे आपको कलर दिखेगा और कहीं पे नहीं दिखेगा, तो ये बेयर स्किन पे पैची सा दिखेगा, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर ये ठीक ठाक दिखता है. इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है, ये एक स्मूथ फिनिश दे देता है एंड थोड़ा सा ब्लर कर देता है स्किन को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पोर्स को एंटायरली कवर कर देगा. क्योंकि ये एक लिक्विड ब्रश है तो ये बिल्कुल भी पाउडरी इफेक्ट नहीं देता है और आपके स्किन टेक्सचर को भी एम्फसाइज नहीं करता है, इसलिए ये ब्लश दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है एंड ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. मेरी ऑयली स्किन है लेकिन मुझ पर भी ये काफ़ी घंटों तक स्टे करता है, सो ओवरऑल मुझे ये एक डिसेंट प्रोडक्ट लगा. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू लेटर. बाय.